हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फेयर ट्रायल पार्ट टू। तो पिछले वीडियो में जो है हमने इसका पार्ट वन जो है कंप्लीट कर लिया था कि आखिर फेयर ट्रायल होता क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आखिर अनफेयर ट्रायल क्या होता है, क्योंकि फेयर ट्रायल को जाने से पहले हम लोग को ये भी जो है जानना ज़रूरी था कि आखिर अनफेयर ट्रायल क्या होता है और अनफेयर और फेयर ट्रायल में जो है क्या डिफरेंस है। तो उसमें हमने जो है जाना था शांति की स्टोरी से जो रिलेट किया था हमने, और जो पिछले वीडियो को जाना था। और इस वीडियो में पिछले वीडियो में तो हमने जो है अनफेयर ट्रायल के बारे में जान लिया था और भी कुछ चीज़ के बारे में जो है जान लिया था। अब इस वीडियो में जो है हम जानेंगे कि अनफेयर ट्रायल तो हमने जान लिया, लेकिन फेयर ट्रायल क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी क्लास। तो देखिए, आखिर हम पिछले वीडियो में हम जहाँ से हमने जो है रोका था, मतलब जहाँ से जहाँ तक हमने जो है पढ़ा था वहाँ से हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि क्या जो शांति का जो केस है वो जो फेयर ट्रायल था, ठीक है। क्योंकि हर केस जो है कोई ना कोई केस फेयर ट्रायल तो होता ही है और कुछ केस अनफेयर ट्रायल हो रहा है। तो देखिए, क्या है जो शांति का जो केस है, क्या वो फेयर ट्रायल है, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, यानी कि जो शांति का जो केस है वो फेयर ट्रायल है। अब उतनी देर से हम लोग जो फेयर ट्रायल के बारे में जान रहे हैं, फेयर ट्रायल, तो आखिर फेयर ट्रायल का जो डेफिनेशन क्या होता है, क्या होता है फेयर ट्रायल का मतलब, ये हम जान लेते हैं। फिर हम जानेंगे शांति का केस जो है फेयर ट्रायल क्यों था। तो देखिए, अगर हम बात करें व्हाट इज़ फेयर ट्रायल, यानी कि फेयर ट्रायल होता क्या है। तो जैसे कि हमने जब अपने पिछले वीडियो में जाना था कि जो हम लोग का आर्टिकल 21 है, ठीक है, आर्टिकल 21 में हम लोग का क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का अधिकार। तो राइट टू लाइफ में जो क्या होते हैं, और भी हम लोग को जो कुछ राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि राइट टू लिव, रहने का अधिकार, ठीक है, और भी कुछ राइट्स मिल जाते हैं। अगर हम बात करें जीने का अधिकार से, राइट टू लाइफ, क्योंकि अगर किसी भी आदमी को जो जीना है तो उसके लिए जो उसको बहुत सारे जो चीज़ चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए, रहने के लिए जो जगह चाहिए। तो इस तरीके से जो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, ये जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से कहे तो इसमें जो बहुत सारे हम लोग को जो और भी राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि और भी राइट जो है राइट टू लाइफ से जो कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार में है कि कोई भी जो सिटीजन है इंडिया का वो जो है आज़ादी से जो जी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी के ऊपर जो है मर्डर का इंजाम लग गया और जो है जो पूरा जो ट्रायल चल रहा है उसका, यानी कि जो पूरा मुकदमा चल रहा है, पूरा जो उसका केस चल रहा है वो अनफेयर जो है, ठीक है, यानी कि अनफेयर ट्रायल जो है चल रहा है। और मान लीजिए कि वो उसने भले क्राइम नहीं किया, उसने जो मर्डर नहीं किया, लेकिन तब भी अगर उसके ऊपर जो मर्डर का इंजाम लग गया और अनफेयर ट्रायल जो चला, तो फिर ऐसे तो वो जेल चला जाएगा और उम्र कैद की जो उसे सज़ा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो आज़ादी से नहीं जी पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो आर्टिकल 21 ने जो हम लोग का फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, वो जो यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या जाता है जी कि फेयर ट्रायल जो है, कोई भी जो केस चलता है, ठीक है, कोई भी जो ट्रायल चलता है, ट्रायल लेने के मुकदमा, तो वो जो फेयर तरीके से चलता है, ठीक है, यानी कि जस्टिसली जो है क्या चलता है, वो पूरा जो है ट्रायल चलता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी केस प्रोसेस है, ठीक है, तो फेयर ट्रायल होता क्या है वो हम जान लेते हैं। तो वो जो फेयर ट्रायल है, ठीक है, वो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। रीजनेबल यानी कि कोई ना कोई उसका रीज़न होना चाहिए कि ये आखिर केस जो पूरा प्रोसेस चल रहा है उसका क्या रीज़न है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर जो मर्डर का इंजाम लग गया और वो जो पूरा जो ट्रायल चल रहा है वो अनफेयरली चल रहा है, तब उस आदमी को खुद ही नहीं पता चलेगा कि आखिर जो किसने मेरे ऊपर मर्डर का इंजाम लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रीजनेबल प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए कि जो ये जो केस है, तो ये जो पूरा केस प्रोसेस चल रहा है तो ये क्यों चल रहा है, ठीक है, इसका क्या रीज़न है, ये पता होना चाहिए। और साथ में जो है ये पूरा जो ट्रायल चल रहा है ये लीगल प्रोसेस से जो चलना चाहिए, ठीक है, जस्ट लीगल प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, जब फेयर ट्रायल के बारे में जान रहे थे कि जो क्या हो रहा था कि इलीगल प्रोसेस से जो सब चीज़ चल रहा था, जैसे कि शांति को जो चार्जशीट नहीं मिला तो शांति को खुद ही नहीं पता चला कि जो मेरे ऊपर किसने जो क्राइम का इंजाम लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि अब जो जज है, तो जज ने जो अकेले में वो फैसला ले लिया, ठीक है, और साथ में जो शांति थी, ठीक है, जिसके ऊपर क्राइम का इंजाम लगाया है, उसे खुद नहीं पता था कि मेरे अगेंस्ट में जो क्या क्या विटनेसेस मिले, ठीक है। और साथ में हमने जाना था कि अगर मान लीजिए
जो शांति है, तो शांति को आखिर जो है जज डिफेंस लॉयर नहीं देते, तो अब क्या होता है कि उनके पास जो है क्या होता, मतलब जो पब्लिक की तरफ से जो लॉयर जो है लड़ रहा है, लेकिन शांति की तरफ कोई लॉयर नहीं होता। तो इस तरीके से जो शांति है वो तो जेल चली जाती, और जेल चली जाती जो है मान लीजिए मर्डर के केस में वो जो है फंसी है, तो फिर तो इस तरीके से आर्टिकल 21 जो है वॉयलेट हो जाता, हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ वो वॉयलेट होता। तो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है वो वॉयलेट ना हो, इसलिए जो है क्या किया जाता है, कोई भी जो केस चलता है, कोई भी जो ट्रायल चलता है वो जो फेयरली चलता है, फेयर ट्रायल जो है चलता है। तो फेयर ट्रायल जो है चलता कैसे है कि कोई भी जो ट्रायल चल रहा है तो वो रीजनेबल होना चाहिए, जो पूरा प्रोसेस चल रहा है तो क्या रीज़न है उसका, क्या क्या विटनेसेस मिले, ठीक है, ये सब होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है लीगल प्रोसेस से जो है वो केस चलना चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फेयर ट्रायल क्या होता है। फेयर ट्रायल यानी कि जो पूरा केस का प्रोसेस होता है वो रीजनेबल होना चाहिए, और जस्ट लीगल प्रोसेस से जो है वो केस चलना चाहिए, ठीक है। अब अभी बहुत लोगों से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर हम लोग इसको जान लेते हैं, ठीक है, कि शांति का केस कैसे जो है फेयर ट्रायल था, तभी हम लोग को जो है और भी चीज़ है समझ में आते रहेंगे, ठीक है। तब सवाल आता है जो शांति का जो केस था क्या वो फेयर ट्रायल था, तो इसका मैंने जवाब दे दिया कि फेयर ट्रायल था, ठीक है, शांति का जो केस था। लेकिन फेयर ट्रायल कैसे था, ठीक है, ये भी एक सवाल बनता है कि कैसे थे शांति का जो पूरा जो केस था वो फेयर ट्रायल था। तो अभी हम जाने दें कि कैसे फेयर ट्रायल था। तो देखिए जो शांति है, तो शांति को जो चार्जशीट का कॉपी मिला था, हमने जाना था कि जब भी जो पुलिस होती है किसी भी आदमी को जो अरेस्ट करते हैं और उनको पता कि क्राइम का इंजाम लगा है, ठीक है, तब होता क्या है कि अब जब कोर्ट में जब वो फैसला जाना होता है तो पुलिस उसको जो कोर्ट में कैसे भेजती है, एक चार्जशीट बनाती है जिसमें जो सारे सबूत जो है होते हैं कि जो है किस रीजन से जो हमने इनको अरेस्ट किया है, क्योंकि कल को आकर जज पूछते हैं कि आपने जो है इनको अरेस्ट क्यों किया है, क्या गुनाह है, तो फिर पुलिस के पास फिर कोई जवाब नहीं होगा अगर जो विटनेसेस जो है नहीं होगा तो, ठीक है। तो चार्जशीट में पूरे विटनेसेस और भी कुछ चीज़ जो है रखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि क्या क्या विटनेसेस मिल रहे हैं शांति के अगेंस्ट में, जिससे जो है उसके ऊपर जो एक क्राइम का इंजाम लगा है। तो चार्जशीट जो है क्या बोलता है, जिसके ऊपर वो क्राइम का इंजाम लगा है उसको जो है चार्जशीट का एक कॉपी मिलता है, और शांति को जो है चार्जशीट का कॉपी जो है मिला भी था, ठीक है। उसके बाद जो ट्रायल चला था पूरा, यानी कि जो पूरा मुकदमा चला था वो ओपन कोर्ट में चला था, ओपन कोर्ट यानी कि जो पूरी पब्लिक वहाँ पे बैठी थी, और जो है क्या होता कि जज का फैसला सुन ली थी कि जो जज है वो क्या फैसला ले रहे हैं, ठीक है। वही आखिर मान लीजिए ये जो ट्रायल होता वो अनफेयर ट्रायल होता, तो अब जज वो कहीं अकेले जो सीक्रेट लोकेशन में जो फैसला लेते हैं कि हाँ शांति ने जो क्राइम किया होगा, और फिर शांति जो जेल चली जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, ओपन कोर्ट में यानी कि सबके रहते हुए जो है वहाँ पर जो शांति भी थी, ठीक है, जो ये बता सकती थी कि क्या जो मतलब ये जो पूरा जो केस चल रहा है, ठीक है, तो मतलब जो विटनेसेस मिले थे कौन से विटनेसेस सही है और कौन से गलत है। साथ में जो है शांति का जो भाई था सुशील वो भी था यहाँ पे, यानी कि सारे लोग थे, ठीक है। जो जज ने जो है क्या हुआ कि पब्लिक के सामने जो है ये फैसला लिया था, ठीक है। और साथ में जो है अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायल अगर फेयर ट्रायल हो रहा है, ठीक है, तो ये कुछ जो है निशानी है। और साथ में जो है अगर फेयर ट्रायल हो रहा है कोई भी, तो साथ में अगर मान लीजिए फेयर ट्रायल हो रहा है तो जिस भी आदमी के ऊपर क्राइम लगा है यानी क्राइम का इंजाम लगा है, तो वो आदमी जो कोर्ट में जो है मौजूद होना चाहिए। ये तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रायल अनफेयर ट्रायल चल रहा है, तो अब जिसके ऊपर क्राइम का इंजाम लगा है वो है ही नहीं वहाँ पे कोर्ट में, और सबके सामने जो है जज फैसला अपना सुना रहे, तो ये भी होना ज़रूरी है कि जिसके ऊपर भी इंजाम लगा है वो जो है कोर्ट में ही रहे, ठीक है, जिसे वो पता जो है बता सके कि कौन कौन से जो विटनेसेस है जो कि मतलब कौन कौन से जो सबूत है, ठीक है, और कौन कौन से जो आरोप है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगा रहे हैं वो कौन से सही कौन से गलत है, और क्या जो जज है वो क्या फैसला ले रहे हैं ये भी जो पता होना चाहिए। तो जो एक्यूज पर्सन है यानी कि जिसके ऊपर जो है आरोप लगा है क्राइम का, वो भी जो है जब भी जो ट्रायल चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में, तो वो जो वहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अब होता क्या है, मान लीजिए किसी के ऊपर जो क्राइम का इंजाम लग गया है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए वो ट्रायल जो है अनफेयर ट्रायल चल रहा है, ठीक है, या फिर अनफेयर ट्रायल का अगर निशानी हम देखें, तो मान लीजिए किसी भी आदमी के ऊपर क्राइम का इंजाम लगे, ठीक है,
अब क्या होता है, जो जज है तो जज का क्या फैसला होता है, जजमेंट करना होता है, ठीक है। वो जो जजमेंट करते हैं, तो अब देखिए, अब जो मतलब जो जज है तो अब ऐसे भी वो जो है परसीव कर सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर क्राइम का इल्ज़ाम लगा है, इसने जो है क्राइम किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं है, जब तक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, जब तक ये जो है जो सबूत है उसके थ्रू ये प्रूफ नहीं कर देता कि जिस आदमी के ऊपर भी जो क्राइम का इल्ज़ाम लगा है वो गिल्टी है, ठीक है, उसने इसे क्राइम किया है, तब तक जो जज ये जो है परसीव नहीं कर सकता कि हाँ उसने ही क्राइम किया, क्योंकि क्या होता है अगर अनफेयर ट्रायल चल रहा है तो अब मान लीजिए किसी के ऊपर क्राइम का इल्ज़ाम लग गया, अब जज जो है क्या ऐसा हो सकता है कि जज जो है उसका चेहरा अगर मान लीजिए क्रिमिनल टाइप का है तो बोल देंगे चेहरा से कि हाँ उसने जो है क्राइम किया है और अपने हिसाब से जो है फैसला ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो ये प्रूफ नहीं कर देता कि जो जिस आदमी के ऊपर भी क्राइम का इल्ज़ाम लगा है उसने जो है क्राइम किया है, ठीक है, क्योंकि अभी क्राइम का इल्ज़ाम लगा है जिसे कंफर्म नहीं है कि हाँ उसने जो है क्राइम किया है, तो जब तक इस चीज़ का पता नहीं चलता तब तक जो जज हैं वो जो है ये परसीव नहीं कर सकते कि उसी आदमी ने जो है क्राइम किया है, ठीक है। ये सब हो गया। अब देखिए, अब इसी के साथ अब जो हमने जाना था, ठीक है, जो हमने जो स्टार्ट किया था जो टॉपिक आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, टॉपिक हम लोग का नाम था अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें जो है हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है समझने की कोशिश की थी। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो जो है हमने पढ़ लिया, और एक दो टॉपिक जो हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया, ठीक है, जैसे गाइडलाइंस ऑफ पुलिस, ये सब चीज़, ठीक है, जो कि जो है अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो उसके लिए जो है वो चीज़ें मतलब आपको जो है हेल्पफुल रहेगा। तो ये सब चीज़ हमने जान लिया, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो कि जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो मेन फोर पिलर्स हैं, जैसे कि जज, तो जज का जो है हमने रोल देख लिया था, ठीक है। जज अगर बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स है, जज है, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस लॉयर है, पुलिस है, ठीक है। तो यहाँ तक मान लीजिए जो कोई भी क्राइम जब स्टार्ट होता है तो पुलिस उसे अरेस्ट करती है और जो है जज के जजमेंट देने तक यहाँ तक जो है पूरा ये केस चलता है, ठीक है, और तब जो है जिस आदमी के साथ जो क्राइम हुआ होता है उसको जो है जस्टिस मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जो क्राइम जो होता है, ठीक है, तो कहीं पे जो किसी के ऊपर क्राइम का इंजाम लगाया गया है तो वो आदमी जो है या फिर क्राइम होता है तो वो आदमी जो है पुलिस को जो है क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, ठीक है, उसके बाद फिर जो है वहाँ पे क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर विटनेसेस कलेक्ट करती है, तमाम चीज़ें करती है, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो चीज़ जब पुलिस होती है उसका जब चार्जशीट बना देती है और कोर्ट में जब उसको जो है सबमिट कर देती है, तब जिस आदमी के ऊपर क्राइम का इंजाम लगा है उसके लॉयर जो जिसको हम लोग डिफेंस लॉयर करते हैं और जो पूरी पब्लिक जो है एक साइड हो जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, जो भी मतलब पब्लिक की तरफ से लड़ते हैं उसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये जो दोनों लॉयर हैं ये क्या करते हैं, जो डिफेंस लॉयर है जिसके ऊपर भी क्राइम का इंजाम लगा है उसे जो है उसके फेवर में रहता है, ठीक है, उसको बचाने की कोशिश करता है, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके ऊपर जो इंजाम लगाता है और ये जो प्रूफ करने की कोशिश करता है कि उसने जो क्राइम किया। तो दोनों के अलग अलग वर्क होते हैं, ठीक है, जो दोनों लॉयर होते हैं। और जब जो जज होता है, ठीक है, जज भी सुन रहा होता है कि हाँ क्या क्या विटनेसेस है, क्या क्या एविडेंसेस है, ठीक है, तो जब जज को जब पूरा विटनेसेस एविडेंसेस जब ये सब चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो अब जज क्या करता है कि लॉ के हिसाब से जो भी लिखा रहता है कि जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर मर्डर का क्राइम है और एविडेंसेस से ये जो है साबित हो जा रहा है कि उसने जो है मर्डर किया है, ठीक है, तब जो है उसके लिए क्या सजा है, तो उस तरीके से जो है जो जज होता है वो जो सज़ा सुनाता है, जजमेंट जो है करता है। ये सब हमने जान लिया। अब देखिए अगर हम बात करें फ्री ट्रायल की, ठीक है, तो जो फ्री ट्रायल होता है वो जो है यानी कि फ्री ट्रायल को जो है कोई भी पीपल है, ठीक है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी जेंडर का है, उन सबको जो है फ्री ट्रायल मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जान लिया, फ्री ट्रायल के बारे में जो जान लिया, ठीक है। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। इनफैक्ट ये जो हमने जो है टॉपिक स्टार्ट किया था आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो जानने के लिए ये भी जो है कम्प्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।